हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ माय व्लॉग। तो मैं हूँ अभी जम्मू में और जा रहा हूँ लाइब्रेरी सुबह सुबह। मैंने आज सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए, तो बने रहिएगा व्लॉग में और लाइक कीजिएगा एंड चैनल मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा आज का व्लॉग कैसा रहता है। ओके, तो लेट्स गो। पहुंच चुका हूं मैं बठिंडी मोड़ और यहां पे मुझे करना पड़ेगा गाड़ी का इंतज़ार, क्योंकि पैदल यहां से दूर पड़ती है मेरी लाइब्रेरी। सो दैट मुझे जाना पड़ेगा गाड़ी पे, क्योंकि सर्दी भी आज जम्मू में बहुत ज़्यादा है और पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 1-2 किलोमीटर का फासला है लाइब्रेरी का। तो मुझे कुछ देर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा सुजवा की गाड़ी का। दोस्तों आ चुकी है गाड़ी, देखते हैं आप। बसंती हमारी आ चुकी है और ये आएगी, देखते हैं कौन सी साइड सुजवा की ही गाड़ी है। अभी हम इस पे चढ़ते हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो पे। बसंती को एकदम चौथे गियर में डाल दिया ड्राइवर ने। ये हमारा कंडक्टर, आप देखिए बेचारा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका अपनी KTS स्टडी सेंटर लाइब्रेरी। यह है लाइब्रेरी, आप चुप रहना, हम अंदर जाएंगे। पहुंच चुके हैं हम अंदर और पहले हमें कोविड SOPs को करना पड़ेगा फॉलो। सैनिटाइजर हाथ को लगा के ही अंदर जाना पड़ेगा। और हम पहुंच चुके हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ गया मेरा केबिन और यहाँ पे मुझे अब बैठना है। तो बने रहिएगा आप। पहले मुझे अपनी कीज ढूंढनी है लॉकर की, वहाँ से मुझे कुछ बुक्स वगैरह और निकालनी है। तो मिल गई कीज, ये खुल गया हमारा लॉकर। इसमें पड़ा कंबल, क्योंकि रात को लगती है बहुत सर्दी, लेट नाइट हम जाते हैं वापस। तो ये आ गई हमारी लाइब्रेरी की कैंटीन और यहाँ पे हमें पानी गर्म की बहुत ज़रूरत है और ये कैटल हमारा देती है सर्दी में भरपूर साथ। इसमें हम करेंगे पानी गर्म और ये मेरे साथ है आसिफ। तो ये देखिए, हाय। तो ये आ गया हमारी लाइब्रेरी का नमाज रूम, यहाँ पे लड़की लोग नमाज पढ़ती हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है जम्मू की, KTS स्टडी सेंटर। ये देख लीजिए, अभी सुबह का टाइम है तो कम लोग आए अभी। तो चलो हम पढ़ते हैं अभी। आई विल बी कंटिन्यू टू फ्रॉम द बेस इक्वल टू बैक। तो देखिए मौसम बहुत उलझा हुआ है, यहाँ का ख़राब मौसम, सर्दी बहुत ज़्यादा। तो अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और लंच भी करेंगे, लंच करके फिर दोबारा से फिर लाइब्रेरी में आना है। तो हमारा यही है भाई, लाइब्रेरी और अंदर खाना और फिर लाइब्रेरी, फिर खाना फिर लाइब्रेरी, बस टोटल। एक लाइब्रेरी यहाँ पे, ये है RB लाइब्रेरी। हम पहुँच गए मस्जिद के बिल्कुल गेट के पास। नमाज हमने पढ़ ली है, तो अब हम जाएंगे सीधा रूम में खाना खाने के लिए। सर्दी बहुत ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा जम्मू में ट्रैफिक। सुजवा का ये मंज़र आप देख रहे हैं कि कितनी सर्दी है, तो मौसम बहुत
खतरनाक। तो ये देखिए सिविल सर्विस लाइब्रेरी आफाक सर की। तो पहले चलते हैं हम अंदर सीधा, खाना खाएंगे तो उसके बाद सोच। तीन इंग्लिश आती भाई नु कोली जनन तू भी करना के तो फिर इस मक्के सवालात को जवाबात दीजिए। खाना हमने खा लिया है अभी हमने, और एक स्पेशल चीज खाई है। आसिफ बताएगा क्या खाया आसिफ? हमने खाया आज उबलू। किस चीज का होता है वो? भैंस का। भैंस जब हमारी जो लैंडलॉर्ड आंटी उन्होंने दिया हमें आज उबलू। अब हम जा रहे वापस लाइब्रेरी, तो मिलते हैं। चाय हमारी आ चुकी है, अब हम पियेंगे चाय। सर्दी बहुत है और ये हमारा बजार। बस नमाज का टाइम हो चुका है और ये आ गया है मेरे पास आसिफ, और चलना पड़ेगा क्योंकि जब भी टाइम होता है तो इसके पास एग्जैक्ट टाइम केवन इसके में लगा हुआ है तो एकदम से आ जाता है, तो हम सीधा आप जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। ओके देखते रहिएगा आप। दोस्तों आ गया नहीं बिल्लो, वही टाइम हूँ आप चल रहे हैं असर की नमाज पढ़ने मस्जिद के बिच। ये साढ़े नाल अपना दोस्त आसिफ हैगा, तो चलो चलते हैं। दुकान है यहाँ पे, हम चाय पीते हैं। हाय करना। बिस्मिल्ला बेकरी, बिस्मिल्ला बिरयानी पॉइंट। पहुंच चुके हैं हम मस्जिद के अंदर। नमाज पढ़ ली हमने, अभी जा रहे हैं हम। सोचो हम वापस जा रहे हैं लाइब्रेरी की ओर, और ये देखिए जिंदगी किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हमें लाइब्रेरी के बिल्कुल पास मस्जिद है, तो नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह जमात के साथ। और हम पहुंच गए हैं चाय वाले होटल के बाहर। कैसे हो अंकल जी? ठीक है। हम पहुंच चुके हैं फिर से चाय पीने के लिए। अभी नमाज पढ़ के वापस आए थे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम चाय का आधा आधा कप पियेंगे, तो क्योंकि अंदर अगर जाके बैठेंगे सर्दी बड़ी लगती है, नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। तो सो दैट स्केड्यूल हमारा जो था दिन का यही था जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अभी भी थोड़ा अपना पेंडिंग है, तो देखते रहिए आगे आप ऐसे ही। वापस पहुँच चुके हैं हम फिर से केटी स्टडी सेंटर। सोच आना और जाना लगा ही रहता है। सब सीधी नमाज सही, सब के आखिरी किनारे बराबर ही रखें, सब खुद सीधी हो जाएगी। फ्रेंड्स तो अब हम चलते हैं सीधा घर क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, तो अब भी हमें जाना पड़ेगा। बाहर का हालात देख सकते हो कितना अंधेरा है, सभी लोग घर चले गए, मार्केट बंद और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा टाइम हो चुका है जाने का, तो चलो चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो आज का व्लॉग जो है ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं, तो मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल अपने रूम के पास में, तो मुझे लिफ्ट मिल गई थी, तो
कैसा लगा व्लॉग आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो कभी कभार मैं व्लॉग बनाता हूँ, एक्चुअली रोज़ नहीं। तो दिस इज़ माय आई थिंक लास्ट व्लॉग, क्योंकि एग्ज़ाम है तो कुछ 10-15 दिन के बाद में फिर कोशिश करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।